नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के ऐतिहासिक कुप्पाघाट आश्रम परिसर में शुक्रवार को अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट की ओर से भव्य लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सौंदर्यकरण किए गए सदगुरु महर्षि में ही निवास का लोकार्पण आश्रम के आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत और विशिष्ट अतिथि पटना महावीर स्थान न्यास समिति के आचार्य किशोर कुणाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। इससे पूर्व सरसंचालक मोहन भागवत राजधानी एक्सप्रेस से नवगछिया स्टेशन पहुंचे, जहां लोगों ने उनका स्वागत फूल माला और पुष्पगुच्छ देकर किया, जिसके बाद वे विक्रमशिला पुल होते हुए भागलपुर के कुप्पाघाट पहुंचे। वहीं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे आरएसएस प्रमुख की सुरक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी की गई थी, जबकि जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के बीच पहुंचने मोहन भागवत की सुरक्षा के लिए भागलपुर में अलग अलग जगहों पर 300 अतिरिक्त पुलिस बल और 78 सीसीटीवी कैमरे के द्वारा निगरानी की जा रही थी। इधर कुप्पाघाट परिसर पहुंचने के बाद सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर किया गया, जिसके बाद सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सौंदर्यकृत निवास का लोकार्पण सामूहिक रूप से अतिथियों द्वारा किया गया। इसके बाद सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के जीवन पर आधारित फीचर फिल्म के पोस्टर का अनावरण किया गया, जबकि कार्यक्रम में सभी गणमान्य लोगों ने बारी बारी से लोगों को संबोधित किया। वहीं अपने संबोधन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हम सभी को देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखते हुए भारत माँ का सम्मान करना है। संघ प्रमुख ने लोकार्पण कार्यक्रम में कहा कि सभी युवा अपने देश के प्रति एकता अखंडता को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हुए भारत माँ के सम्मान में कार्य करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्य के प्रख करने के लिए आध्यात्मिकता जरूरी है। इधर शुक्रवार को आम श्रद्धालुओं के लिए कुप्पाघाट का मुख्य द्वार बंद रहा, जबकि जगह जगह अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी और आश्रम के प्रवेश द्वार से अंदर जाने वालों की गहन जांच कर ही अंदर प्रवेश दिया गया। है, लेकिन हम चले नहीं तो नहीं पहुंचे, इसलिए छोटे छोटे कदम में क्यों न हो, जन्म जन्मांतर की यात्रा में क्यों न हो, हमको उस पथ पर चलना है, अपने आप को बनाते रहना है, अधिक बनने के लिए लोगों को अपनी सेवा से प्रेरित करना है। ये काम हम करते रहेंगे तो हमारा भी तो सार्थक होगा ही, लेकिन इन तीर्थ स्थानों की असली गरिमा जैसे लौकिक भौतिक रूप से बढ़ेगी, ऐसे आध्यात्मिक रूप से अक्षुण्ण रहेगी, कायम रहेगी। भागलपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंधाधुंध रफ्तार में गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों की लापरवाही से अक्सर सड़क दुर्घटना होती रहती है और इसके कारण कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। आए दिन इस तरह की खबर भी आती रहती है, जिसमें कई बार लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो कभी लोगों की मौत भी हो जाती है। ताज़ा मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास के समीप का है, जहाँ काम करके लौट रहे एक मजदूर को तेज़ रफ्तार हाईवा ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान बुद्धूचक धुबावे गांव निवासी राजेश पासवान के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक राजेश गांव के ही राजमिस्त्री नितिन पासवान के साथ रहकर मजदूरी करता था और रोज की तरह वह गांव से काम के लिए भागलपुर आ रहा था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और स्थानीय पुलिस की मदद से मृतक के शव को मायगन अस्पताल पहुंचाया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक राजेश पासवान के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और वे अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। इधर घटना के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त हाईवा को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जबकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मिस्त्री के साथ क्या कुछ हुआ था? गांव से जो वहां से चला मोटरसाइकिल पे, उसके साथ में एक मिस्त्री था, राज मिस्त्री, ये पाछे बैठा हुआ था। और उसके बाद नदीपुर के सामने जब आया तो मोटरसाइकिल से ब्रेक लिया तो ये फेंका गया। फेंकाने के बाद उधर से मार्शल आ रहा था, कमीज उसने फंस गया उसके, बस ये फेंका गया, उसी पे चक्का चढ़ गया। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत मैनाचक गांव निवासी निरंजन मंडल की बुधवार को आकस्मिक मौत हो गई। दरअसल हजारीबाग निवासी निरंजन मंडल सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो के रूप में पदस्थापित थे, जो बीते 6 जनवरी को ड्यूटी के दौरान बटालियन की बस पलट जाने से हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना में उनके सिर पर काफी चोटें आई थी, जिसके बाद उन्हें विभाग द्वारा आराम करने के लिए घर भेज दिया गया था।
वहीं निरंजन मंडल बीते 28 जनवरी को छुट्टी के दौरान अपने घर आने के बाद इसकी जानकारी परिवारजनों को दी। इधर बुधवार की सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत इलाज के लिए पीरपैंती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं भागलपुर ले जाने के क्रम में ही निरंजन मंडल की मृत्यु हो गई, जिसके बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि निरंजन अपने पीछे पत्नी और 3 वर्षीय पुत्र के साथ माता पिता एवं बहन समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए। शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा कार्यक्रम के तहत भागलपुर पहुंचेंगे, जहां सीएम खीरीबांध पंचायत के गणेशपुर 3 पुलिया भी जाएंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन और खीरीबांध पंचायत के मुखिया व्यापक तैयारी में जुटे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जगदीशपुर का गणेशपुर 3 पुलिया गाँव को सजाया सवारा गया है, जबकि इसके लिए महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी जमकर मेहनत करते दिखे। वहीं इसको लेकर मुखिया अजय राय ने बताया कि गाँव के लोगों के साथ भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और प्रशासन की पूरी टीम सीएम के समाधान यात्रा की तैयारी में लगी है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ की लागत से नया सर्किट हाउस बनकर तैयार है, जबकि 26 करोड़ की लागत से बड़ा सा शेल्टर होम जोन भी बनवाया गया है। साथ ही अजय राय ने कहा कि खीरीबांध पंचायत के गणेशपुर 3 पुलिया गांव की तस्वीर बदल रही है और सीएम का यहाँ आना ग्रामीणों के लिए उत्साह की बात है। जी, सीएम से हमारे ही पंचायत में आ रहे हैं, जो कुछ नसीब हम लोग हैं जो कि सीएम साहब हमारे पंचायत वो भी गणेशपुर 3 पुलिया हमारे गांव ही आ रहे हैं। ये मालूम आप देख बगल में रोड है, ये भी रोड है, ये तो पहले से हम लोग बना ही चुके थे, लेकिन और सीएम साहब जो आ रहे हैं इसमें बहुत तरह से पदाधिकारी आए हैं, हर तरह से रोड हम लोग का बन रहा है, बगल में लाइट भी लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि नाला का काम धड़ल्ले से सब कुछ चल रहा है, आ जाए इंदिरा आवास हो जाए, राशन कार्ड हो जाए, सब जो है। पीरपैंती प्रखंड के ग्राम सामपुर लीलखुटिया में बजरंग बली की सोने की प्रतिमा स्थापना को लेकर गाजे बाजे रथ के साथ भारी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा भक्तिमय भजन के बीच शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जय श्री राम के नारे के बीच झूमते हुए ग्रामीणों ने सामपुर झुरकसिया और लीलखुटिया गांव का भ्रमण किया और पुनः लीलखुटिया चौक पहुंचकर विधि विधान से मूर्ति स्थापित की। वही कार्यक्रम में पंडित बच्चा तिवारी के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बजरंग बली की मूर्ति को स्थापित कर 48 घंटा का संकीर्तन आयोजित किया गया। मौके पर ऋषिपुर थाना के एसआई संजय कुमार सिंह, मुखिया जूली सिन्हा, रविशंकर सिन्हा, मुख्य यजमान कैलू साह, व्यवस्थापक पप्पू पोदार सहित काफी संख्या में ग्रामीण और पुलिस बल मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।